देखो बेटा, इस सवाल में आपके पास दो कार हैं, एक धोती नहीं, आपके पास दो कार हैं, कार पी और कार क्यू। स्ट्रेट लाइन पे जा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार पी जो है वो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, क्यू इतना है। करना क्या है, एट वॉट टाइम टू कार हैव सेम वेलोसिटी। बस टाइम निकालना है जब वेलोसिटी सेम हो। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक पी कार का डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम डिपेंडेंट। वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम ए राइट। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टू बी इंटू टी। ये वेलोसिटी ऑफ क्या आ गई है, पी की आ गई है। इसी तरह आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए क्यू की और दोनों को बराबर करके टाइम निकाल लीजिए, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी निकालनी है एफ माइनस टू टी, यानी वेलोसिटी आप क्यू आपको मिल गई। दोनों सेम करना है, बराबर कर दीजिए, सेम वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू। और वहीं से आपको क्या निकालना है बेटा, वहीं से आपको टाइम निकालना है, ये बराबर एफ माइनस टू टी। टी निकालना, टी को एक तरफ ले आइए, यानी टू बी टी प्लस टू टी, इसको इधर ले आए, कांस्टेंट को उधर ले जाइए, एफ माइनस ए। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, टू टी कॉमन दिख रहा है, तो अंदर आप बी प्लस वन लिख सकते हैं, एफ माइनस ए। तो अब आपको टी निकालना आसान हो गया, ऊपर बचा एफ माइनस ए, नीचे बचा बी प्लस वन, और इस दो को भी इधर ले आइए। कौन सा ऑप्शन सही है, एफ माइनस ए टू वन प्लस बी, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।